हेलो, वेलकम इन ए के स्टडी 1024। आज मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 7.8 का, क्लास 12th का, ये लिमिट ऑफ सम्स। अब देखिए, मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया था डेफिनेशन क्या होती है लिमिट ऑफ सम की। इसकी डेफिनेशन होती है कि अगर हमें लिमिट ऑफ सम से इंटीग्रेट करना है एक फंक्शन एफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इसकी लोअर लिमिट है ए, अपर लिमिट है बी, तो इसका आंसर आता है बी माइनस ए लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी 1/n एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h। जितना आगे हम जाएंगे उतने एक एक एच बढ़ाते रहेंगे। यहाँ पर एक भी एच नहीं था, यहाँ पर एक एच आया, यहाँ पर 2h आए, ऐसे लास्ट में क्या होगा एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h। लास्ट में n माइनस 1h क्यों है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में 0h है, h है ही नहीं, दूसरे में 2 से 1 कम यानी कि 1h है, तीसरे फंक्शन f में 3 से 1 कम यानी 2h है, ऐसे ही चौथे में 4 से 1 कम 3h होंगे, तो nth में n से 1 कम यानी n माइनस 1h होंगे। ठीक है, यहाँ पर h क्या है हमारा, h है b माइनस a डिवाइड बाई n। a और b जैसा कि मैंने अभी बताया लोअर लिमिट और अपर लिमिट है यहाँ की। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ तो dx से पहले जो भी है वो क्या होगा एफ एक्स होगा, तो यहाँ dx से पहले क्या है x प्लस 1, तो यानी कि यहाँ से मुझे मिल जाएगा एफ एक्स। एफ एक्स क्या है मेरा x प्लस 1। ठीक है, ऐसे अगर मैं h की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो h होता है b माइनस a, b की वैल्यू है 5, a की वैल्यू है 0, यानी 5 माइनस 0 डिवाइड बाय n। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 5 में से 0 गया, 5 डिवाइड बाय n, तो h की वैल्यू आ गई 5 बाई n। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो अब देखते हैं कि हमें जब मैं इस क्वेश्चन को करूँगा तो किस किस की जरूरत पड़ेगी। देखिए, जब मैं इस क्वेश्चन को करूँगा तो मुझे एफ ऑफ ए चाहिए होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच चाहिए होगा, ऐसे ही एफ ऑफ ए प्लस 2h और एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h चाहिए होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ही कैलकुलेट कर लेता हूँ इनको ताकि मैं बाद में सीधा इनकी वैल्यू पुट कर सकूँ। एफ ऑफ ए, ए क्या चीज़ है यहाँ पर, 0, यानी एफ ऑफ 0। ठीक है, अब देखिए, जब आप x पुट करते हैं फंक्शन में तो फंक्शन का आंसर आता है x प्लस 1, तो अगर आप 0 पुट करोगे यानी कि एफ ऑफ ए, ए 0 है इसलिए मैंने 0 लिखा है, तो यह आएगा 0 प्लस 1 यानी कि 1। तो एफ ऑफ ए या फिर एफ ऑफ 0 की वैल्यू आई है 1। ऐसे ही जब आप पुट करोगे एफ ऑफ ए प्लस एच, ए क्या चीज़ है, ए है 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच क्या होता है, एच ही होता है, तो यहाँ से यानी कि आप h पुट कर रहे हो यहाँ पर तो आएगा h प्लस 1। ऐसे ही जब आप पुट करोगे a प्लस 2h, a 0 है तो 0 प्लस 2h क्या होगा सीधा, अब मैं सीधा लिख दे रहा हूँ 2h। यहाँ तक समझ में आया होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 2h प्लस 1, क्योंकि आप जो भी पुट करते हो उसमें प्लस 1 ज़्यादा मिलता है, तो 2h पुट करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 2h प्लस 1। ऐसे ही अगर आप फंक्शन में लास्ट वाला जो भी है ये a प्लस एन माइनस 1h, a क्या है 0, यानी 0 प्लस एन माइनस 1h क्या हो गया, ये हो गया n माइनस 1h, क्योंकि ये तो 0 हो गया, यानी जब आप इसमें पुट करोगे n माइनस 1h फंक्शन में तो आपको मिलेगा भी n माइनस 1h प्लस 1, क्योंकि प्लस 1 एक्स्ट्रा मिलता है, x की जगह पुट करना है आपको n माइनस 1h। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अब हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे। आप चाहते तो h की वैल्यू जो आई है 5 बाई वो यहाँ पर h की जगह रख देते, बट उससे होता है क्या, उससे क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है और हमें देखने से थोड़ा डर लगता है क्योंकि वो अजीब सा और थोड़ा हार्ड सा दिखता है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे और बाद में h की वैल्यू यूज़ करेंगे 5/n। ठीक है ना, आप कैसे भी कर सकते हो, आप पहले यूज कर लो या बाद में, लेकिन बाद में यूज करने से क्या होता है कैलकुलेशन थोड़ा आसान लगती है। अब देखिए, अब मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, अब देखिए यहाँ पर क्या है, फंक्शन हमारा 0 से लेकर 5 तक इंटीग्रेट करना है x प्लस 1 डी एक्स को। तो इसमें अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊँ तो b माइनस ए आएगा मेरा, b मेरा क्या है 5, a क्या है 0, यानी 5 माइनस 0। ठीक है, मैं बिल्कुल इस क्वेश्चन को एकदम धीरे धीरे करूँगा ताकि आपको हर एक स्टेप समझ में आए। तो ये क्या होगा, n गोज टू इन्फिनिटी 1/n एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए यानी कि एफ ऑफ 0। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, यानी एफ ऑफ ए, ए यानी 0, तो 0 प्लस एच क्या होगा एफ ऑफ एच, ऐसे ही प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h, ए 0 है तो 0 में 2h जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ 2h, ऐसे ही प्लस प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा ये एफ ऑफ
ए प्लस एन माइनस वन एच, ए हो गया जीरो, जैसे मैं यहाँ भी समझा चुका था यहाँ पर, तो जीरो प्लस एन माइनस वन एच, ठीक है। अब देखिए इन सब की वैल्यू मैंने यहाँ निकाल रखी है, बस मुझे वो वैल्यू यूज करनी है। तो फाइव माइनस जीरो कितना हो गया, फाइव, ठीक है। ये हो गया लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी वन डिवाइड बाई एन एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो क्या है वन, तो मैं इसके यहाँ लिख दे रहा हूँ वन एफ ऑफ एच, एफ ऑफ एच यानी जीरो प्लस एच या एच एक ही बात है, वो क्या है एच प्लस वन, प्लस एफ ऑफ टू एच, क्या चीज़ है वो टू एच प्लस वन, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया टू एच प्लस वन, प्लस अब टू कहाँ तक जा रहा है एफ ऑफ एन माइनस वन एच, तो ये रहा इसकी वैल्यू क्या आई है एन माइनस वन एच प्लस वन, तो इसकी जगह मैंने लिखा एन माइनस वन एच प्लस वन, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ये एच है बी की तरह बन गया। अब देखिए यहाँ से फाइव लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी वन बाई एन, अब देखिए यहाँ पर वन यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, हर टर्म में क्या है वन, तो वन कितनी बार ऐड हो रहा है एन बार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा एन इंटू वन यानी एन, ठीक है। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, एक को अगर आप एक बार जोड़ोगे तो एक आएगा, एक को अगर आप दो बार जोड़ोगे एक जमा एक तो दो आएगा, एक को तीन बार जोड़ोगे तो तीन आएगा, चार बार जोड़ोगे तो चार आएगा, यानी कि अगर आप एक को एन बार जोड़ोगे तो एन आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, एच प्लस टू एच प्लस थ्री एच फोर एच, ऐसे अप टू कहाँ तक गया ये एन माइनस वन एच तक, ठीक है। अब आप क्या करो एच कॉमन ले लो, ठीक है, ये तो सेम उतारो, लिमिट कहाँ पे जाएगी एन गोज टू इन्फिनिटी वन डिवाइड बाई एन, यहाँ पर एन आइए प्लस एच को मान लो, यहाँ से एच को मान लोगे तो क्या हो जाएगा वन टू प्लस थ्री फोर फाइव अप टू एन माइनस वन। अब इसमें आप क्या यूज करो, अब आप इसमें सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। तो आपने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, वन प्लस टू प्लस थ्री ऐसे अप टू एन तक हो तो इसका आंसर आता है एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, ठीक है। तो ये वो फॉर्मूला है जो मैं इसमें यूज करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर बस एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है कि यहाँ पर वन से लेके एन तक जा रहा है सम, यहाँ पर वन से लेके एन तक नहीं जा रहा, एन माइनस वन तक जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इस फॉर्मूले में जहाँ पर n है उसको रिप्लेस करना होगा n माइनस वन से, ठीक है। अब देखिए ये हो गया फाइव लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी वन बाई एन एन प्लस h, तो ऐसे रहेगा इसका सम क्या होगा, n की जगह आपको रखना है n माइनस वन, ऐसे ही आप यहाँ पर n माइनस वन रखोगे n की जगह तो n माइनस वन और ये प्लस वन कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ n डिवाइड बाई टू। अब देखिए अब यहाँ भी n है यहाँ भी n है, n को ले लो कॉमन, तो जाएगा फाइव लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, n कॉमन लिया ऊपर से और नीचे n था ही, तो यहाँ से n बाहर आ चुका है कॉमन, तो बचा वन प्लस ये हुआ h n माइनस वन, ये n बाहर आ चुका है कॉमन डिवाइड बाई टू। अब देखिए अब हम यूज करेंगे जो h आया था हमारा उसकी वैल्यू, इस h की वैल्यू, h ऊपर क्या आया था, h ऊपर आया था अगर आपको याद नहीं है तो फाइव डिवाइड बाई n, ठीक है। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, n से n तो कैंसिल हो गया, ये बचा फाइव लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी वन प्लस h की जगह मैंने लिखा फाइव डिवाइड बाई n n माइनस वन और नीचे क्या है, नीचे तो टू है, ठीक है। n को आप अंदर ले जाओ, हो जाएगा फाइव लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी वन प्लस फाइव n अंदर गया तो n डिवाइड बाई n क्या हो गया वन माइनस, ये अंदर गया तो वन डिवाइड बाई n हो गया और नीचे क्या बचा हुआ है टू, ठीक है। इसका आंसर अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप देखिए फाइव जो भी है लिमिट, अब अगर पुट करो यहाँ पर तो ये वन डिवाइड बाई एन जीरो हो जाएगा, अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है कुछ, तो मैं अब लिमिट रख रहा हूँ तो ये फाइव ऐसे ही रहेगा, लिमिट मैंने पुट कर दी तो यह वन हो गया, वन था ही पहले, प्लस
फाइव, ठीक है, डिवाइड बाई टू को मैंने यहाँ लिख लिया। अब वन की जगह वन माइनस, एन की जगह इन्फिनिटी रखा तो वन बाई इन्फिनिटी क्या हो गया, जीरो। तो आंसर आया फाइव, वन प्लस फाइव डिवाइड बाई टू, वन माइनस जीरो वन, इसको मल्टीप्लाई करोगे फाइव बाई टू से तो फाइव बाई टू ही रहेगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आंसर आएगा, दो एकम दो और पाँच सात, यानी सात बटे दो, बाहर है पाँच, तो पाँच सत्ते पैंतीस, डिवाइड बाई कितना बचेगा टू, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 35 डिवाइड बाई टू, ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। अगर आप एग्जाम में ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए अगर हम लिमिट ऑफ सम से ना करके सिंपली इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये एक मिनट में हो जाएगा। आप इसको इंटीग्रेट करो और उसमें लिमिट पुट कर दो और फिर आंसर मैच करो कि क्या आपका आंसर वैसे भी 35 बाई टू आता है, आता है तो यानी कि आपका आंसर ठीक है। आप एग्जाम में यानी कि क्वेश्चन चेक भी कर सकते हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।